हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम अपने नए व्लॉग की। और आज दिन है बुधवार और तारीख है 26 अप्रैल। अभी बजे हैं दिन के 12:30 जब मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में क्या है। तो बैक कैमरे से आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगी। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपने व्लॉग में कि किसान के काम कभी ख़त्म नहीं होते, उसे कभी आराम नहीं मिलता, कभी तपती धूप में और कभी कड़कती ठंड में उसे अपने काम करने ही पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्या किया है और आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कल मेरी मम्मी नहर पर धो करके ले आई थी पल्लड़ और पल्ली, जो कि खेत में काम आते हैं, गेहूं का नीचे बिछाते हैं हम लोग। तो वो कल धो दिए थे, सुखा दिए थे और वो सूख चुके हैं। तो अभी उनको तय करके अच्छे से रख देंगे ताकि बाद में जब हम उनसे काम लेंगे तो हमें धूल मिट्टी नहीं मिलेगी उन पर। अच्छी तरह से लपेट करके उन्हें रख देंगे। तो ये देखिए, हमने सुखाए थे अपनी छत पर। अभी मैं और ये डुल साहब हैं तो इनकी तय कर लेंगे। और ये देखिए, किसान के काम हैं कि ख़त्म नहीं होते, एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो अभी जैसे कि हम इनको तय करके रख देंगे और बाद में जब हम अभी जीरी की फसल आएगी थोड़े दिनों बाद, मतलब कि कई महीनों बाद, अभी तो जीरी लगेगी, फिर उसकी कटाई होगी तो इन पलड़ों का काम आएगा। तब तक के लिए हम इन्हें रख देंगे। और ये देखिए, किसान के काम है भाई, तपती धूप हो या कड़कती ठंड हो, उसे तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि कुछ फसल ऐसी होती है जो धूप में अच्छी उगती है और कुछ ऐसी होती है जो ठंड में, जैसे कि गेहूं। गेहूं की फसल ऐसी है कि मतलब जितनी ठंड पड़ेगी और जितनी धुंध पड़ेगी उतनी अच्छी होगी, लेकिन इस बार गेहूँ की फसल अच्छी नहीं हुई है किसी की भी, बस गिने चुने लोगों की ही अच्छी हुई होगी, नहीं तो गेहूं की फसल की बार बहुत हल्की है, बहुत हल्की। मतलब जिसके मतलब अच्छी हुआ करती थी उनकी भी हल्की है, और जिसकी हल्की हुआ करती थी उनकी तो बिल्कुल ही हल्की है। अभी एक पल्लड़ की तय कर चुके हैं, अभी करेंगे दूसरे की। और इन्हें एक पल्ली में गठड़ी बांध करके रख के आएंगे हमारे दूसरे घर में, जो कि हमारा भैंसों वाला घर है। मैंने पहले भी आपको कई बार वो दिखाया है जहाँ हमारी भैंस बनती हैं, उसके ऊपर ये कमरा है जहाँ हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं अपना खेत का और घर का भी, जो सामान हम कम यूज करते हैं, मतलब कभी कभी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो सामान हम वहाँ रख देते हैं। और ये देखिए, इन पलड़ों को सीमने में भी, मतलब सिलाई करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और इन्हें हम सिलवाते हैं, खुद से नहीं सिलते। अगर खुद से सिल लेंगे तो वही बात, अभी मशीन ख़राब हो जाएगी, और सिलवा लेते हैं इनको। लेकिन मेरे मायके में जो है ये पल्लड़ और पल्ली मेरे बापू सीमते हैं, हाथों से ही सिलते हैं, लेकिन इस साइड हम सिलवाते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हमारी छत पर बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। कल जब हमने इन्हें यहाँ सुखा रखा था पल्लड़ और पल्लियों को, तो बंदर इनमें खेल रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, खेल खेल के कभी उड़ रहे थे तो कभी गिरा रहे थे नीचे। और ये 3-4 पल्लड़ थे जो मम्मी धो करके ले आई थी, और जो रिपर की गेहूँ होती है कणक, वो भी धो करके ले आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अगली वीडियो में। और ये देखिए, धूप बहुत तेज है, और अभी इस टाइम जब हम इनकी तय कर रहे थे उस टाइम तो करीब 10-10:30 का ही टाइम हुआ था। और ये देखिए, धूप कितनी तेज है। और ये हमारी छत है, इससे मैं थोड़ा सा आपको मेरे ससुराल के गांव का थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगी। तो आप लोग देखिए, अब ये दूसरे पल्लड़ की तय हो चुकी है, और इसे अभी हम बांध लेंगे पल्ली में और बांध करके रखाएंगे वहाँ दूसरी साइड। ये देखिए,
देखिए, और ये है पल्ली, इसी में बांध लेंगे हम इन दोनों पलड़ों को। और ये जो खेत में रेतुआई के कट्टे आते हैं, इस साइड बोलते हैं कट्टे, और मेरे मायके की साइड तो हम थैले बोलते हैं, थैले, तो इनको उधेड़ करके कटवा करके सिले जाते हैं। ये देखिए, अभी रख लूँगी मैं दूसरा और फिर बांधेंगे इन्हें। तो ये देखिए, अभी हम इन्हें बांध लेंगे और फिर डुल साबुस को दूसरे साइड रख करके आएंगे, और फिर उसको बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्लेट हमने सोलर सिस्टम में जो लगवाया हुआ है छत पे, उसकी तार हर दूसरे तीसरे दिन बंदर काट जाते हैं, खोल जाते हैं, मतलब कि जो जोड़ लगाया हुआ है उन पर। तो ये देखिए, ये मैंने डुल साहब को हुआ दिया है और अभी ये रख करके आएंगे। और चलिए अभी मैं दिखाती हूँ सोलर प्लेट की तार, जो कि बंदरों ने खोल दिया, जो जोड़ लगाया था उस पर टेप नहीं लगा रखी थी, तो वो अलग तीसरे चौथे दिन ही अलग करके चले जाते हैं उन्हें। और ये है हमारी, क्या बोलते हैं इसे, HD सिस्टम शायद। और ये देखिए, ये जोड़ खोल दिया था बंदरों ने, जो अभी ये डुल सब लगा रहे हैं। ये देखिए, ये लगा दिया। और चलिए अभी ये है हमारी पानी की टंकी, और ये थोड़ा सा गांव में आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि धूप बहुत तेज है, ज़्यादा देर धूप में नहीं खड़ी। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो के अंत में नमस्कार सभी को।